असलम स्टूडेंट आज की वीडियो में हम प्रोसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन स्टार्ट करेंगे लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए वर्ड हॉस्पिटल का मतलब क्या है द वर्ड हॉस्पिटल हैज़ बिन डिराइव फ्रॉम द लेटिन हॉस्पिट सिग्निफाइंग अ स्ट्रेंजर और फॉरनर अ गेस्ट तो जो वर्ड हॉस्पिटल है वो किससे डिराइव हुआ है वर्ड हॉस्पिस से जिसका मतलब है स्ट्रेंजर या तो फॉरनर या तो गेस्ट अनदर नाउन डिराइव हॉस्पिटियम केम टू सिग्निफाइंग हॉस्पिटैलिटी दैट इज़ द रिलेशन बिटवीन गेस्ट एंड अ शेल्टर एंड अ हॉस्पिटैलिटी तो डियर स्टूडेंट हॉस्पिटल का जो वर्ड है वो निकला है हॉस्पिटल से जिसका मतलब होता है स्ट्रेंजर या फोनर तो डेफिनेटली जो पेशेंट आता है वो कुछ समय के लिए आता है हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल में उससे उसको हॉस्पिटैलिटी दिखाई जाती है तो इसलिए इसका नाम हॉस्पिटल रखा गया है तो टाइप ऑफ हॉस्पिटल इसमें आ जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल और स्पेशल हॉस्पिटल और इन पाकिस्तान मतलब जो हॉस्पिटल की हैं वो हैं बी एच यू आर एच सी टी एच क्यू डी एच क्यू और टी सी एच तो डियर स्टूडेंट इसके बाद आ जाते हैं वट इज एडमिशन एडमिशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिसीविंग अ न्यू पेशेंट टू एन इंडिजुअल यूनिट वार्ड ऑफ द हॉस्पिटल और इट इज़ द एंट्री एंड एक्सेप्टेंस ऑफ अ पेशेंट टू स्टे इन हेल्थ फैसिलिटी तो डियर स्टूडेंट जब भी कोई न्यू पेशेंट आता है हॉस्पिटल में तो सबसे पहले उसका एडमिशन किया जाता है हॉस्पिटल में और इस सब प्रोसेस को हम एडमिशन कहते हैं पर्पज ऑफ एडमिशन क्या क्या है पहले आ जाता है ऑब्जर्वेशन डायग्नोसिस प्रोसीजर सर्जरी ट्रीटमेंट डियर तो स्टूडेंट जब भी कोई पेशेंट किसी सर्जरी के लिए या किसी अपने ट्रीटमेंट के लिए आता है तो डेफिनेटली जब वो एडमिट होता है तो उस सब प्रोसेस को हम कहते हैं एडमिशन इसके बाद आ जाता है student, है टाइप्स टाइप्स ऑफ ऑफ एडमिशन एडमिशन अब डियर स्टूडेंट जो देर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ एडमिशन एक को हम कहते हैं इलेक्टिव और प्लान एडमिशन दूसरे को हम कहते हैं इमरजेंसी एडमिशन इलेक्टिव और प्लान एडमिशन इन दिस टाइप ऑफ एडमिशन द हेल्थ केयर प्रोवाइडर फॉर एक्साम्पल मेडिकल ऑफिसर प्लान अ प्लानियंट डेट फॉर एडमिशन पेशेंट इज़ इनफॉर्म वेल बिफोर द टाइम सो आई हेज टू मेक हम प्रिपेयर फॉर एडमिशन पेशेंट इज़ टेकन थ्रू द एडमिशन प्रोसेस फ्राम ओ पी डी तो डी स्टूडेंट जो इलेक्टिव प्लैंड एडमिशन होता है इसमें जो हमारा हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है फॉर एक्जाम्पल मेडिकल ऑफिसर या हमारा डॉक्टर वो हमारे हमारी कंडीशन के हिसाब से एक डेट पहले से प्लान कर देता है और पेशेंट को बता देता है कि आपका इस डेट पर एडमिशन होगा अपने इस डेट पर एडमिट होना है तो उसके लिए पेशेंट पहले से वेल प्रपेयर रहता है जबकि इसके मुकाबले में जो दूसरा टाइप ऑफ एडमिशन है वो होता है इमरजेंसी एडमिशन लेकिन इन इलेक्टिव एडमिशन देर इज नॉन मेडिकल कंडीशन और कंप्लीट दैट रिक्वायर्ड फर्दर वर्कअप ट्रीटमेंट और सर्जरी तो डियर स्टूडेंट ये पहले था हमारा इलेक्टिव और प्लैंड एडमिशन इसके बाद आ जाता है इमरजेंसी एडमिशन इन दिस टाइप ऑफ एडमिशन द पेशेंट इज बींग ब्रोड टू द हॉस्पिटल इन ए क्रिटिकल सीरियस कंडीशन विच नीड्स प्रॉम्प्ट एडमिशन एंड इमीडिएट ट्रीटमेंट सो एज टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन तो डियर स्टूडेंट जो पहले टाइप वाला एडमिशन था उसमें डॉक्टर पेशेंट को एक डेट प्रिस्क्राइब करते हैं मगर इसमें इस तरह नहीं होता क्योंकि पेशेंट की सूरत हाल ऐसी नहीं होती कि उसको डेट कर जो उसको सीरियस कंडीशन में एडमिट करने की ज़रूरत होती है ताकि उसको ट्रीटमेंट दी जा सके और कॉम्प्लीकेशन से फर्दर बचाया जा सके तो डी स्टूडेंट एडमिशन प्रोसीजर अब एडमिशन प्रोसीजर किस तरह होता है द एडमिटिंग डिपार्टमेंट अराइवल और नर्सिंग यूनिट हॉस्पिटल ओरटेशन एंड प्रोवेंटिंग डीमेशन तो ये सब स्टेप हैं डी स्टूडेंट एडमिशन प्रोसीजर के अब इसको हम एक एक पढ़ते हैं सबसे पहले आ जाते हैं हमारा एडमिटिंग डिपार्टमेंट उसमें फिल आउट एडमिशन फॉर्म टेक एडमिशन कॉन्सेंट प्रोवाइड आइडेंटिफिकेशन बैंड एलोकेट हॉस्पिटल बेड टेक केयर ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग तो डियर स्टूडेंट जो पहला स्टेप आ जाता है एडमिटिंग डिपार्टमेंट का वो उसमें वो एक फॉर्म फिल करना होता है उसमें आपको अपना साइन करना होता है कि आप अपनी परमिशन दे रहे हैं कंसेंट दे रहे हैं फिर उसके बाद उनको एक बेड एलोकेट किया जाता है और उसको कहा जाता है कि अपनी जो बिलोंगिंग है उसका ध्यान रखें अराइवल ऑन नर्सिंग यूनिट फिर वो जो पेशेंट होता है वो नर्सिंग यूनिट में आते हैं फिर उसका हाइट एंड वेट किया जाता है वाइटल साइन लिए जाते हैं सेंड सैंपल फॉर लैब इन्वेस्टिगेशन उसके जो बेसिक सैंपल्स हैं वो लिए जाते हैं और उनको लैब भेजा जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए रिपोर्टिंग द एडमिशन एंड एडमिशन डॉक्यूमेंटेशन और बाकी जितना डॉक्यूमेंटेशन का वर्क होता है वो किया जाता है इसके बाद आ जाता है हॉस्पिटल ओरिएंटेशन जिसमें पहले आ जाती है वार्ड रूटीन मतलब बेसिक रूटीन जो होती है डॉक्टर का विजिट नर्सिस का राउंड फिजिकल फैसिलिटीज़ इन रूम इंटरनेट टी वी बाथरूम टेलीफोन एट्सेट्रा हॉस्पिटल सर्विसज एंड टाइमिंग उसमें उसका मील हो गया मेडिकेशन हो गई सप्लाइज हॉस्पिटल पॉलिसीज़ फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल में नो no स्मोकिंग और बाकी जितनी भी पॉलिस आ गई तो अब आता है डीह्यूमायजेशन एनशियसनेस और एप्रिहेंशन फीयर ऑफ अन नोन फीयर ऑफ बॉडी इमेज चेंजेस फाइनेंशियल कंसर्न एम्बेरिसमेंट तो डियर स्टूडेंट ये जितनी भी चीजें हैं ये डिमुनाइजेशन में आ जाती हैं जो कि फोर्थ स्टेप है एडमिशन प्रोसेस का ट्रांसफर टू अदर यूनिट रीजन फॉर ट्रांसफर टेम्प्रेरी असाइनमेंट चेंज इन पेशेंट कंडीशन क्वाइटर एनवायरमेंट इज रिक्वायर्ड पीटी डिस्टर्बिंग अदर पेशेंट पेशेंट नीड स्पेशल केयर और प्रोसीजर तो डियर स्टूडेंट कुछ कंडीशन ऐसी आ जाती हैं कि ऑलरेडी एडमिटेड पेशेंट को हमें ट्रांसफर करना पड़ जाता है जो कि पांच ये कंडीशन लिखी हैं फॉर एग्जाम्पल पेशेंट की या तो कंडीशन स्वेयर हो गई है या तो अगर वो ठीक हो रहा है तो उसको चेंज कर दिया जाता है दूसरे वार्ड में या तो अगर फॉर एग्जांपल वो ऑलरेडी एडमिटेड है और उसके वार्ड में अगर उसकी शोर ज़्यादा है तो अगर उसको क्वार्टर इन्वायरमेंट चाहिए तो तब भी उसको शिफ्ट किया जाता है या तो अगर पेशेंट का कोई इशू है दूसरे पेशेंट के साथ तो अगर कंडीशन को सॉल्व करना है तो, तो उसको शिफ्ट किया कर दिया जाता है तो ये पाँच कंडीशन है जिसमें ट्रांसफर ऑफ पेशेंट हो सकते हैं गाइडलाइंस फॉर पेशेंट ट्रांसफर चेक डॉक्टर ऑर्डर एक्सप्लेन टू पेशेंट एंड फैमिली Provide detail for safety, हैंड to to टू अदर यूनिट स्टाफ इनफॉर्म अदर डिपार्टमेंट्स अबाउट पेशेंट ट्रांसफर असेंबल ऑल पर्सनल ब्रोंगिंग एंड मेडिसन तो डियर स्टूडेंट जब भी किसी पेशेंट का ट्रांसफर होगा तो इसी तरह नहीं हो जाएगा उसके लिए डॉक्टर के ऑर्डर ज़रूरी हैं उसके लिए आप पहले पेशेंट को एक्सप्लेन करोगे उसकी फैमिली को एक्सप्लेन करोगे और बाकी सारी उसकी डिटेल होगे, उसका जितना सामान वगैरह हो होगा वो भी उसकी आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस सेफली उसको प्रोवाइड करना है तो पेशेंट डिस्चार्ज डिस्चार्ज प्लानिंग बिगेन एट एडमिशन तो डियर स्टूडेंट जो एडमिशन का प्रोसेस होता है उसमें भी डिस्चार्ज भी जब पेशेंट को एंड प्रो होता है उसको डिस्चार्ज करना होता है असेस पेशेंट पर्सनल हेल्थ एंड हेल्थ डेटा पेशेंट एबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटी डेली लाइफ एनी फिजिकल कोगनेटिव और अदर फंक्शनल लिमिटेशन केयर गिवर रिस्पॉन्स और एबिलिटी फाइनेंशियल रिसोर्स कम्युनिटी सपोर्ट नीड फॉर होम केयर असिस्टेंट तो डियर स्टूडेंट जिस तरह जिस तरह पेशेंट की हेल्थ में इंप्रूवमेंट आ रही होती है तो उसके हिसाब से हम उसका डिस्चार्ज प्लानिंग करते हैं और ये कब स्टार्ट हो जाती है एडमिशन के टाइम पर स्टार्ट हो जाती है और ये सब चीज़ें हैं जिसको हमने कंसिड्रेशन में भी लेना होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल उसके फाइनेंशियल रिसोर्स कितने हैं और वो अगर अपनी जो बाकी प्रॉपर हेल्थ ट्रीटमेंट है वो अपने घर पर कर सकता है या नहीं कर सकता और उसकी अपनी मौजूदा कंडीशन किस तरह है तो इन चीज़ों को हम कंसिड्रेशन में लेते हैं उसके बाद ही हम उसका डिस्चार्ज प्लान करते हैं डिस्चार्ज टीचिंग

हॉस्पिटल डिस्चार्ज के रिएक्शन टू हॉस्पिटलाइजेशन इलनेस बिहेवियर पेशेंट नॉट नोट हैसिबल फॉर देयर कंडीशन एक्सक्यूज फ्रॉम सर्टन सोशल रोल एंड टास्क ऑफ टू ट्राई टू गेट वेल एस हैल्प तो डियर स्टूडेंट ये सब थे रिएक्शन ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इसके बाद आ जाते हैं इफेक्ट ऑफ इलनेस चेंज इन बिहेवियर डिस्ट्रप्शन ऑफ प्राइवेसी एंड ऑटोनोमी लाइफ स्टाइल रोल्स एंड फाइनेंसिस चेंज इन सेल्फ कंसेप्ट एंड बॉडी इमेज तो डियर स्टूडेंट जब भी कोई पेशेंट आता है तो डेफ़िनेटली वो इलनेस के साथ आता है जिसके कुछ चेंजेस आ जाते हैं उसके उसमें जिसमें आ जाता है उसके बिहेवियर में चेंज डिस्ट्रप्शन ऑफ प्राइवेसी डेफिनेटली वो हॉस्पिटल में जब एडमिट होगा तो उसकी प्राइवेसी वैसी नहीं रहेगी लाइफ स्टाइल रोल्स एंड फाइनेंस फाइनेंस इशू भी होते हैं चेंज इन सेल्फ कंसेप्ट एंड बॉडी इमेज तो डियर स्टूडेंट इसके बाद आ जाता है द रोल ऑफ नर्स इन डिस्चार्ज प्लानिंग इंक्लूड्स ऑल केयर गिवर्स इन्वॉल्व इन द केयर ऑफ पेशेंट फिजियोथेरेपिस्ट Educate assessment of the patient during all stages of care to identify discharge needs. Assess health teaching need of clients and family and provide family members with the knowledge and skill to care for the client in the home setting. For example, wood care range of motion exercise. So dear student you have a in the discharge policy. So is include all caregiver involved in the care of the patient? Advocate assessment to so, dear student. जो नर्स होती है उसका काम होता है कि जब पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है उसका एक असेसमेंट कर ले और वो जो पेशेंट के साथ फैमिली वाले हैं उनके साथ बात करें और उनको बताएं कि अपने होम में किस तरह उसका ध्यान रखना है घर जा उसके वून का ध्यान रखना है उसको प्रॉपर एक्सरसाइज और उसकी डेली रूटीन का ध्यान रखना है इंश्योर डिस्चार्ज इज ऑर्डर बाय मेडिकल ऑफिसर पेशेंट एंड रिलेटिव आर इफॉर्म अबाउट डिस्चार्ज तो जो हमारा डिस्चार्ज ऑर्डर है वो हमारे एम जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं उनके उससे वो मेडिकल एंड रिलेटिव उसके बारे में उसके पेरेंट उनके फैमिली को बताया और दे आर एजुकेटेड ऑन द नीड फॉर कंटिन्यूइंग ट्रीटमेंट एंड फॉलो अप केयर और बाकी की जितनी उसकी हेल्थ में बाकी की जो है वो उसका इतना उनको नॉलेज हो कि उसको घर में ट्रीटमेंट दे सकें फर्दर फॉलो अप के लिए हॉस्पिटल आ सकें इंश्योर पेशेंट हॉस्पिटल बिल आर वर्कड आउट एंड सिमिटेड टू हेल्थ इंश्योरेंस ऑफिसर और बाकी जो उसके बिल वगैरह हैं वो क्लियर हो चुके हों डिस्चार्ज समरी यूजली इंक्लूड डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लाइंट्स कंडीशन एंड डिस्चार्ज ट्रीटमेंट डाइट एक्टिविटी लेवल एंड रिस्ट्रिक्शन तो डियर स्टूडेंट ये पाँच पॉइंट हैं जो समरी दी गई है कि क्या पॉइंट होंगे डिस्चार्ज के वक्त डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लाइंट कंडीशन उसकी जो प्रेजेंट कंडीशन है ट्रीटमेंट डाइट एक्टिविटी लेवल एंड रिस्ट्रिक्शन के फर्दर किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जो उसकी रिस्ट्रिक्शन होंगी तो डियर स्टूडेंट ये थे रेफरेंसेस बाकी हमारे इस लेक्चर के तो अगर आपको कोई भी क्यूरी हो या क्वेश्चन हो, हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच